हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग कैसे बेसिकली चेक कर सकते हो अपने किसी भी एंड्रॉयड या फिर एप्पल के डिवाइस में कि क्या आप लोगों का जो डिवाइस है ये कैपेबल है 5G नेटवर्क के लिए। अगर आप लोगों के स्मार्टफोन के अंदर 5G चिपसेट दिया गया है तो क्या कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत पड़ेगा, आज के इस वीडियो में दोस्तों यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखते रहेंगे, इस वीडियो को लाइक करना, एंड आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे फ्रीटेक्स चैनल को तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। सो गाइज, अभी जितने भी ब्रांड्स है सबके अंदर चेक करेंगे, लाइक रियलमी, आईक्यू, आईफोन जो भी है, ओके एक जैसे ही प्रोसेस है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेरे पास अभी फिलहाल है रियलमी 9i 5G, ये एक 5G डिवाइस है। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, एयरटेल थैंक्स ऐप को ओपन करना है, ओके एंड देन आप लोग देख सकते हो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को, चेक इफ़ योर 5G इज इनेबल्ड और नॉट। तो इसके अंदर एक बार से आप लोग को सिंपली क्लिक कर लेना है, देन आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पे अभी फिलहाल चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। तो आप लोग देख सकते हो कमिंग सून है हमारे सिटी के अंदर जो 5G सर्विस है, एंड नीचे आप लोग देख सकते हो हैंडसेट या 5G है, लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत है। तो यहाँ पे आप लोग क्लियरली देख सकते हो मेंशन कर दिया गया है योर डिवाइस मैन्युफैक्चरर इज येट टू रिलीज 5G सॉफ्टवेयर अपडेट। तो इसके अंदर एक 5G सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत है, देन आप लोग 5G का जो नेटवर्क है उसका लाभ उठा पाएंगे रियलमी 9i 5G के अंदर। और हमारे पास है रियलमी GT मास्टर एडिशन, तो गाइस ये भी एक 5G डिवाइस है एंड इसके अंदर ऑलरेडी अपडेट आ चुका है 5G वाला जियो के लिए। तो चलिए एक बार से हम लोग एयरटेल थैंक्स ऐप के अंदर इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें 5G एनेबल्ड हुआ है या फिर नहीं इस अपडेट के बाद रियलमी GT मास्टर एडिशन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल चेकिंग के अंदर है 5G हैंडसेट दोस्तों यहाँ पे करेक्ट है एंड 5G सॉफ्टवेयर भी रेडी है। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ग्रेट न्यूज़, यू आर 5G रेडी। सो ये डिवाइस प्रॉपरली अभी कैपेबल है 5G नेटवर्क के लिए। तो गाइस यहाँ पे मैं जस्ट कुछ सेटिंग आप लोगों को दिखा देता हूँ, जब भी 5G आता है आपके एरिया में तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जाएंगे सिंपली मोबाइल नेटवर्क के अंदर एंड यहाँ पे एक बार से चले जाना एडवांस सेटिंग्स में एंड यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो 5G नेटवर्क मोड का एक ऑप्शन है। तो इसके अंदर जाकर आप इसको ऑटोमेटिक रख सकते हैं। इसमें क्या होगा, अगर 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा आपके एरिया में तो ये दोस्तों यहाँ पे ऑटोमेटिकली 5G के अंदर स्विच हो जाएगा। और ये है हमारे पास रियलमी 8, तो इसके अंदर भी एक बार से दोस्तों हम लोग चेक कर लेते हैं क्या इसमें 5G एनेबल्ड है या फिर नहीं। तो आप लोग देख सकते हो अभी फिलहाल चेकिंग के अंदर है एंड यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो हैंडसेट भी बेसिकली क्रॉस आ चुका है, यानी कि ये जो हैंडसेट है डज नॉट सपोर्ट 5G, क्योंकि ये रियलमी 8 4G वाला डिवाइस है। और इसके अंदर दोस्तों आप लोग एक्सप्लोर भी कर पाएंगे कि कौन कौन डिवाइस बेसिकली 5G को सपोर्ट करता है। देख सकते हो जितने भी ब्रांड्स है सबका नाम आ चुका है। तो फर्स्ट रियलमी का है, लाइक यहाँ पे देखिए रियलमी 8S 5G, रियलमी X7 मैक्स। तो जो भी ब्रांड है इसके अंदर जाकर बेसिकली आप लोग यहाँ पे मॉडल्स है उसको चेक कर सकते हैं कि क्या आप लोगों का डिवाइस 5G को सपोर्ट करता है या फिर नहीं, लाइक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। और ये है हमारे पास आईक्यू 7 लेजेंड, तो ये भी दोस्तों एक 5G डिवाइस है, इसमें दिया गया है स्नैपड्रैगन 888। तो इसके अंदर भी एक बार से दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि क्या इसमें 5G ऑलरेडी एनेबल्ड है या फिर इसके अंदर भी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी फिलहाल चेकिंग के अंदर है, यहाँ पे दोस्तों 5G हैंडसेट करेक्ट आ चुका है एंड यहाँ पे 5G सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट कोई भी अपडेट तो नहीं आया था, लेकिन ये फ्यूचर प्रूफ 5G है, तो इसके अंदर कोई भी फिलहाल सॉफ्टवेयर का जरूरत नहीं है 5G एनेबल करने के लिए। और अगर आप लोगों का डिवाइस 5G सपोर्ट कर रहा है तो इसके अंदर दोस्तों कुछ सेटिंग्स वगैरह कर लेना होता है। मैं दोस्तों यहाँ पे जो नेटवर्क है ना, नेटवर्क को एक बार से अगर आप लोग सिलेक्ट कर लेना तो आप लोग अभी फिलहाल देख सकते हो 4G प्रेफर्ड के अंदर है। तो ये नेटवर्क टाइप में आप लोगों को 5G को सिलेक्ट कर लेना है। और ये है आईफोन 12 एंड जैसे कि आप सभी को पता होगा ये भी एक 5G हैंडसेट ही है एंड ये फिलहाल अभी रन कर रहा है iOS 16 के अंदर। तो चलिए इसके अंदर भी दोस्तों एक बार से हम लोग चेक करके देख ले देखिए अभी फिलहाल ये कंपेटेबल है 5G के लिए। तो एक बार से दोस्तों यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग इसका रिजल्ट देख सकते हो, हैंडसेट तो ये 5G है लेकिन दोस्तों इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत है, देन इस 5G सर्विसेज एनेबल होगा। तो ये था प्रोसेस जिसके माध्यम से आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोगों का डिवाइस 5G एनेबल्ड है या फिर नहीं। अगर आप लोगों के पास दोस्तों कोई एप्पल का डिवाइस होगा तो इसके अंदर भी सॉफ्टवेयर अपडेट का जरूरत है एंड अगर आप लोगों के पास कोई रियलमी का डिवाइस है देन उसके अंदर भी जरूरत है। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को जैसे कि दिखाया आईक्यू 7 लेजेंड जिसके अंदर ऑलरेडी 5G को एनेबल करके दिया गया है और ये जो एयरटेल थैंक्स ऐप है आप लोग प्ले स्टोर में या फिर एप स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो आप लोग सर्च करके यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे यार उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हो हमारे फ्रीटेक्स चैनल को तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो दोस्तों बाय एंड एज यूजुअल जय हिंद।